हेलो एवरीवन, दिस इज कल्याण और आज हम लोग बात करेंगे अनबर्थिंग एंड सिप हैंडलिंग। सो बेसिकली अनबर्थिंग के कुछ कुछ या चार या पांच सिचुएशंस के ऊपर जो मैंने देखा था या फिर मैंने जो मेरा रिसर्च था उसके ऊपर निकल गया कि ये सारा जो सिचुएशंस है वो MMD सर्वेयर्स मैक्सिमम टाइम पूछता है। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम लोग चलते हैं इस सिचुएशन पे। नाउ फर्स्ट सिचुएशन इज दैट इज द अनबर्थिंग। स्टार्बर्ड साइड ऑफशोर विंड नो टाइड। व्हाट इज ऑफशोर विंड? जो विंड फ्रॉम द लैंड, सपोज ये मेरा लैंड है, मतलब ये मेरा जेटी हो गया, तो जेटी से सी के तरफ बहता है। ठीक है, तो दिस इज माई ऑफशोर विंड। ओके, नाउ क्या करना है मुझे? सिंगल अप टू द हेडलाइन एंड स्टार लाइन और ब्रेस्ट लाइन, मतलब मेरा ये हो गया हेडलाइन और स्टार लाइन हो गया, तो ये दोनों पैर, या फिर आप ब्रेस्ट लाइन को भी ले सकते हैं। सिंगल अप टू मतलब पहले मुझे बाकी सब उठा लेना है, मेरे जो रोप्स है, बस इस दोनों, ये जो हेडलाइन या स्टार्न लाइन पे, मुझे ये दोनों पे जहाज को रखना है। ठीक है, नाउ इज द हेड एंड स्टार्न लाइन टू अलाउ द वेसल टू ब्लोन ऑफ द क्वे। मतलब क्या है, मुझे ये दोनों को धीरे धीरे स्लैक देना है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग स्लैक देंगे क्या होगा, मेरा वेसल एक नंबर पोजीशन से दो नंबर पोजीशन पे आ जाएगा। देखिए मेरा लाइन बड़ा होता जा रहा है, मतलब मैंने स्लैक देना चालू किया हूँ, तो मेरा विंड क्या करेगा, विंड मुझे धकेल के बाहर भेजेगा, क्योंकि विंड मेरा किधर से किधर है, लैंड से लेके विंड मेरा इधर से इधर है, तो मेरा जहाज एक नंबर पोजीशन से मुझे दो नंबर पोजीशन पे ला देगा। तब क्या करना है, When the stern is clear of the quay, hold on to the aft line and allow the bow to come off the quay a little more. क्या बोला, When the stern is clear, मतलब ये जो मेरा पीछे वाला पोर्शन है, stern is clear of the quay, hold on to the aft line, मतलब बस aft line पे मुझे पकड़ के रखना है। ठीक है, एंड अलाउ द बाव टू कम ऑफ द क्वे अ लिटिल मोर, मतलब बाव को और थोड़ा बाहर के साइड लाना है, मतलब धीरे धीरे मेरा जहाज थोड़ा ऐसा ऐसा, मतलब मुझे लाना होगा। ठीक है, ठीक, सॉरी, इस पोजिशन पे मुझे थोड़ा लाना होगा। ठीक है, तो जैसे ही आएगा, वंस क्लियर द क्वे साइड लेट गो बाव, मुझे बाव लेट गो करना है ये वाला। ठीक है, एंड स्टार लाइन एंड एंगेज इंजिन एंड हेल्म। ठीक है, मतलब जैसे ये हो जाएगा, मुझे लेट गो अपना ये करना है, वंस द क्वे, देन लेट गो द बाव करना है मुझे एंड स्टार्न लाइन। ठीक है, मतलब दोनों को, मेरा बाव लाइन एंड स्टार्न लाइन दोनों को छोड़ देना है, लेट गो मतलब मुझे उठा लेना है दोनों को, देन मेरा जहाज तीन नंबर पोजीशन पे आ जाएगा। एंड एंगेज इंजिन एंड हेल्म, मतलब इसको मुझे इमीडिएट मैनुफरिंग के पे लाना होगा जैसे ही मेरा जहाज तीन नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्बर्ड साइड ऑफशोर विंड, ठीक है, ऑफशोर विंड तो बोल दिया मैं, नो टाइट, ये मेरा कंडीशन है। इस कंडीशन पे ये मेरा जो पॉइंट्स है, ये फॉलोइंग पॉइंट्स है अनबर्थिंग के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन हो गया। नाउ कमिंग टू द सेकेंड सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन इज पोर्ट साइड टाइड अहेड। आगे से आपका टाइड है, स्लैक वाटर, नो विंड। ठीक है, उसमें क्या करना है, ठीक है, इसमें देखिए, सिंगल अप टू ऑफशोर हेडलाइन। ठीक है, ये वाला पॉइंट पे ध्यान दीजिए, ऑफशोर हेडलाइन, ऑफशोर विंड अलग चीज है, ऑफशोर हेडलाइन अलग चीज है। एंड फॉरवर्ड स्प्रिंग, देखिए मैंने रोप दिखाया इधर से गया है, ठीक है, मेरा जेटी अगर ये हो गया, लेकिन मेरा रोप गया इधर से, ये हो गया मेरा ऑफशोर हेडलाइन, इस पे मुझे सिंगल अप करना है एंड फॉरवर्ड स्प्रिंग पे। ठीक है, ये दोनों पे मैं सिंगल अप कर दिया। फिर क्या करना है, इज हेडलाइंस टेंशन ऑन द स्प्रिंग लाइन, मतलब मुझे ये वाला इज जो हेडलाइन का है, ये टेंशन मुझे छोड़ना होगा, सॉरी, ये वाला मुझे थोड़ा पे, मतलब इसको थोड़ा मुझे ढीला करना होगा। एंड टेंशन ऑन द स्प्रिंग लाइन, ये वाले पे मुझे जोर लाना है, मतलब इस पे मुझे टाइट करना है। ठीक है, स्टार्न विल कीप क्लियर फ्रॉम द जेटी। जैसे ही ये करूंगा, मेरा क्या करेगा, स्टार्न धीरे धीरे, ये वाला, ये जैसे ही आप टाइट करते जाएंगे, मेरा स्टार्न धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा जेटी से। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा जो मेरा स्टार्न है, ये वाला ऐसा पोजीशन पे आने लगेगा। ठीक है, नाउ डेड स्लो अहेड रडार एमिट सिप लेट को हेडलाइन। ठीक है, ये मूवमेंट मुझे लाना है, डेड स्लो अहेड देना है। फिर क्या करना है, इंजिन एस्टर्न रडार एमिट सिप लेट को स्प्रिंग। फिर मेरा दोनों ही पर लाइन चला गया, इसमें डेड स्लो अहेड करके मुझे, देखिए इसमें इजी कैसे आप रिमेंबर कर सकता है कि लेट को हेडलाइन कब करेंगे, जब मेरा अहेड मूवमेंट रहेगा, मतलब आगे मूवमेंट दूंगा तो मैं आगे वाला लाइन क्लियर करूंगा, पीछे वाला मूवमेंट दूंगा तो मेरा स्प्रिंग लाइन, मतलब जो मेरा थोड़ा पीछे है उसको मैं लेट गो करूंगा। तो ये वाला एक इजी पॉइंट होता है याद करने के लिए। ठीक है, देन लेट को स्प्रिंग लाइन। ठीक है, ये वाला तो हो गया।
ट्रांसवर्स थ्रस्ट विल कीप स्टर्न अवे फ्रॉम द पोर्ट। ठीक है, जैसे ही ये मेरा एस्टर्न मूवमेंट रहेगा, आप अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखे होंगे बर्थिंग के ऊपर, वो वाला देख लीजिए, तो आपको ट्रांसवर्स थ्रस्ट का जो इफेक्ट है इसमें कैसे आया वो मालूम चल जाएगा। तो बाई यूजिंग द ट्रांसवर्स थ्रस्ट बाई यूजिंग द इंजिन एस्टर्न वी विल कीप द स्टर्न अवे फ्रॉम द पोर्ट। ठीक है, देन वी विल नॉर्मली कम्स टू द मैनूवरिंग एंड हेल्म। ठीक है, इस ये वाला जो ऑल दोज पॉइंट्स आर बेसिकली अनबर्थिंग फ्रॉम द पोर्ट साइड, टाइड अहेड एंड स्लैक वाटर नो विंड। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी मैं आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग स्टार्बर्ड साइड टाइड अहेड नो विंड, ऑलमोस्ट लाइक प्रीवियस टाइड अहेड से है और विंड भी नहीं है। इसमें क्या करना है, सिंगल अप टू द हेडलाइन एंड आफ्ट स्प्रिंग। ठीक है, इस पहले वाले में क्या था, आगे वाला भी था हेडलाइन और आगे वाला जो स्प्रिंग लाइन आगे वाला ही था, लेकिन इसमें क्या है, आफ्ट स्प्रिंग पे मुझे सिंगल अप करना है। ठीक है, ये दोनों पे मुझे, देन क्या करना है, स्लैक हेडलाइन सेम लाइक प्रीवियस वन, इसको थोड़ा मुझे स्लैक करना है, टेंशन ऑन द स्प्रिंग लाइन ये वाले पे थोड़ा मुझे टाइट बनाना है, मतलब इसको ढीला छोड़ के इसको मुझे थोड़ा टाइट करना है। तो क्या होगा, हेडलाइन विल कीप क्लियर फ्रॉम द जेटी, ये धीरे धीरे कीप क्लियर होता जाएगा। देन फिर सेम लाइक प्रीवियस डेड स्लो अहेड, मुझे अहेड जैसे ही मूवमेंट दूंगा मैं, सेम लेट को हेडलाइन आगे वाला। देखिए बहुत इजी है, ठीक है, कुछ पॉइंट ऐसा मतलब मिल आ जाता है दोनों में, कि जैसे ही मेरा अहेड मूवमेंट होगा मैं लेट को हेडलाइन आगे वाला क्लियर करूंगा। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, पीछे वाले के लिए आप इसमें स्टॉप इंजिन या फिर सॉरी इंजिन एस्टर्न नहीं देंगे, इसमें स्टॉप इंजिन एंड लेट को स्टैंड कर देंगे। ठीक है, तो मेरा दोनों लाइन क्लियर हो जाएगा, फिल द बेसिक मैनूवरिंग एंड द हेल्म विल बी हेल्म शुड बी डन बाय द कैप्टन। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स फ्रॉम स्टार्बर्ड साइड टाइड अहेड एंड नो विंड। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सिचुएशन इज स्टार्बर्ड साइड टाइड एस्टर्न नो विंड, सेम लाइक प्रीवियस, बस इसमें क्या है, टाइड एस्टर्न पीछे से है, टाइड अभी पीछे से दे दिया, तो अभी मुझे क्या करना है, सिंगल अप टू द फॉरवर्ड स्प्रिंग एंड स्टर्न लाइन। ठीक है, मतलब ये वाला मेरा अभी हेडलाइन का कोई बात नहीं है, तो अभी मुझे दोनों एक फॉरवर्ड स्प्रिंग पे लाना है ये वाले पे, और मेरा एंड स्टर्न लाइन जो मेरा स्टर्न लाइन है ये वाला, ये दोनों पे मुझे सिंगल अप करना है। ठीक है, देन ईच स्टर्न लाइन टेंशन ऑन द स्प्रिंग लाइन सेम एज प्रीवियस। देखिए अगर मेरा हेडलाइन होगा तो मैं हेडलाइन को ईज करूंगा, अभी मेरा स्टर्न लाइन है, जैसे ही एस्टर्न आ जाएगा आपका स्टर्न लाइन आ जाएगा। ठीक है, ईच स्टर्न लाइन एंड टेंशन ऑन द स्प्रिंग लाइन, ए वाले को आप थोड़ा ढीला छोड़ेंगे एंड टेंशन ए वाले पे थोड़ा टाइट करेंगे। ठीक है, सेम लाइक प्रीवियस स्टर्न लाइन को सॉरी स्प्रिंग लाइन को मुझे हमेशा टेंशन पे रखना है। स्टर्न विल कम ऑफ द जेटी, जैसे ही आप ए वाला टाइट करेंगे तो ए वाला इधर जाएगा एंड पीछे वाला पार्ट इधर जाएगा, मतलब मेरा जहाज थोड़ा थोड़ा क्लियर होता रहेगा, इतना नहीं होगा लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा मेरा जहाज क्लियर होता रहेगा पीछे से। ठीक है, इंजिन एस्टर्न लेट को फॉरवर्ड, इसमें इंजिन एस्टर्न देंगे तो आपका फिर आपको लेट को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, फिर से इसमें ट्रांसवर्स थ्रस्ट का इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, स्टॉप इंजिन करके लेट गो आफ्ट कर देंगे, तो लेट गो फॉरवर्ड हो गया, लेट गो आफ्ट हो गया, मेरा दोनों मतलब दोनों का जो फॉरवर्ड वाले पे जो मेरा ये लाइन है स्प्रिंग लाइन है, और पीछे लेट गो आफ्ट मतलब मेरा जो स्टर्न लाइन है, दोनों को मैं लेट गो कर दिया, फिर वी कैन डू बेसिक मैनूवरिंग एंड हेल्प। ठीक है, ये वाला आपको बोलना ही होगा बेसिक मैनूवरिंग एंड हेल्प, क्योंकि आप जब तक अगर इधर भी आ गए तो आपका जहाज पे बेसिक एक मैनूवरिंग डालना होगा इधर से, क्योंकि आपका ऑल लाइंस क्लियर है, अभी आपको मैनूवरिंग या फिर जो आप बोल सकते हैं मैनूवरिंग शुड बी इनिशिएटेड, ये वाला लाइन भी आप बोल सकते हैं। ओके, सो दीज आर द बेसिक सिचुएशंस फॉर अनबर्थिंग। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। Thank you.